हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नाइन्थ, ये भी आपको आइडेंटिटीज़ के थ्रू ही करना है। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है ये भी टर्म सेम है, ये भी टर्म है, प्लस का साइन है, ये भी प्लस है, ये भी सेम है ना। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? तो सबसे पहले इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, एक्स बाई टू प्लस थ्री वाई बाई फोर का स्केयर, और ये मुझे पता है कौन सी आइडेंटिटी लगती है, ये ए प्लस बी का होल स्केयर वाली, क्या होती है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, यही होती है। तो a क्या है इसमें, x बाई टू, तो ये लो x बाई टू का होल स्केयर प्लस, और b क्या है, 3y बाई फोर इसका स्केयर प्लस 2 इंटू ए क्या है इसमें, x बाई टू, और b क्या है, 3y बाई फोर। तो इनको सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x का स्केयर x स्केयर, 2 का स्केयर 2 टू 4। अब कई बच्चे सोचते हैं बस ऊपर का स्केयर कर देना x का, 2 का नहीं करना, नहीं, ये पूरे का स्केयर है तो 2 का भी होगा अलग से स्केयर, ठीक है। प्लस थ्री वाई का स्केयर, थ्री थ्री था 9 और वाई स्केयर प्लस, और फोर फोर था 16 प्लस, टू से ये टू कैंसिल, क्या बन गया ये आपके पास, थ्री एक्स वाई अपॉन में फोर, क्लियर। अब आगे फर्दर तो कुछ भी नहीं हो सकता इसके अंदर, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म्स है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो बस ये यहाँ पर आपका ये इसका आंसर हो गया, क्लियर है इतनी बात। कई जगह इसमें कॉमन भी निकाल सकते हो आप, अगर निकालना चाहते हो तो कॉमन, अगर निकालना चाहते हो तो देखो जरा नीचे से फोर कॉमन अगर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, एक्स स्केयर प्लस नाइन वाई स्केयर अपॉन में, देखो बाहर फोर लिया तो 16 की जगह क्या आएगा, क्या 16 को मैं स्प्लिट कर सकता था फोर इंटू फोर में, और एक फोर बाहर चला गया तो एक फोर अंदर, नाइन बाई फोर प्लस थ्री एक्स वाई, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं आंसर, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, तो बस मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपको कि आइडेंटिटीज़ याद कर लो तब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और अगर आइडेंटिटीज़ ही नहीं याद है तो बस फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो आइडेंटिटीज़ याद करो तभी इन क्वेश्चंस को करने का फायदा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।